तो दोस्तों साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवी जिसका नाम है कब्जा, और उम्मीद की जा रही थी कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो रिलीज के बाद सारे ट्रोलर्स का मुंह बंद हो जाएगा और ये मूवी इंडियन सिनेमा पर एक बड़ा धमाका करेगी। लेकिन दोस्तों कब्जा मूवी को रिलीज के बाद भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और इस बार क्रिटिक्स के द्वारा इस मूवी की ट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं पब्लिक की तरफ से इस मूवी को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 5.6 की ठीक ठाक रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर जो एक कमी सबसे बड़ी हमें नजर आती है वो है इस मूवी का डायरेक्शन। इस मूवी के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बड़ी गलती की गई है। अगर इस कमी को छोड़ दे तो बाकी सभी कुछ इस मूवी के अंदर अच्छा हमें देखने को मिलता है, चाहे बात करें फाइटिंग सीन की, चाहे बात करें डायलॉग की, चाहे बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, सभी को देखने में मजा आता है। और अगर बात करें इस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का बजट लगभग 120 करोड़ के आसपास है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कब्जा मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से पहले दिन लगभग 12 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ली है। और अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड लगभग 15 करोड़ के आसपास की कमाई की है। लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा नेगेटिव रिव्यू के चलते हो सकता है कि इस मूवी के अर्निंग में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये मूवी अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर बात करें इस मूवी के ओटीटी रिलीज की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस मूवी को सिनेमा घर देखने जाने वाले हो या नहीं, या फिर ओटीटी पर देखना पसंद करोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी के ओटीटी रिलीज की तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के ओटीटी राइट्स को खरीद लिया था अमेज़न प्राइम वीडियो ने, और यही रीजन है कि इस मूवी के ओटीटी रिलीज को बहुत ही जल्द घोषित कर दिया गया है और ये मूवी आपको ओटीटी पर अगले महीने देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रिलीज के पूरे 4 हफ्ते के बाद इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल करा दिया जाएगा।